सो आज का व्लॉग जो है हम रात से शुरू करेंगे। फिलहाल बाहर हो रही है रात, रात के बज रहे हैं 8 और इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं चिकलू के साथ। पढ़ाई कर रहे हैं। आज रिशु का टेस्ट लेते हैं, रिशु कितनी पढ़ाई आती है। रिशु क्या लिख रहे हो आप बोलो? कलाकल। ओके, और आपको 1, 2, 3 भी आता है? सुनाओ। कहाँ तक आता है आपको 1, 2, 3? 100 तक आता है। ओके, और ABCD आता है आपको? सुना। आपको का खा गा आता है? सुना। करिशु है ये? मैं आपका हूँ। अच्छा, जनवरी फरवरी आता है आपको? हाँ? वो भी सुना दो आज मुझे। संडे मंडे सुना दो। और रिशु माय सेल्फ सुना दो आप। I tell the L K G cards. I like apple. My equal name is Champuki Devi. Puppet equal. My name is Laiwala. Very good, Rish. Apple. You like apple? हो वेरी गुड। ऋषि को तो सब आता है भाई। थोड़ी देर पहले ड्यूटी से आया, अभी जस्ट फ्रेश हुआ, पूजा करी। जितना भी मैं घूमने जाता हूँ ना तो बहुत सारे फ्रूट लाता हूँ, ऋषि इतना पेल जाती है ना, सारे फ्रूट खा लेती है। मतलब जितना भी दे दो उसको तो खा लेती है पूरा। तो फ्रूट खाने में मैडम नंबर वन है। तो देरा से ऋषि के लिए मैं कैप लाया, शॉपिंग करी ऋषि के लिए। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग, सबसे ज़्यादा शॉपिंग ना ऋषि के लिए ही होती है। पिछले साल 3 महीने के लिए आई थी, 3 मंथ के लिए आई थी जैसे, और 3 मंथ में मैंने इतनी शॉपिंग करी इसके लिए कि मतलब पूछो मत। और अब की बार सिर्फ 1 मंथ के लिए आई है और अभी भी इतनी सारी शॉपिंग कर ली है ना, मतलब फिलहाल डिनर की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में डिनर करेंगे। लेट्स सी कि कल का क्या प्लान होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। बट कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है। बट यू नो, लास्ट टाइम जब जाने का टाइम आ जाता है तो उस समय मन नहीं करता कहीं जाने का। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आप ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक से आए हैं मेरे यूट्यूब में या इंस्टाग्राम से यूट्यूब में आए हैं, तो ज़रूर ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे शेफ से रिलेटेड मैं ब्लॉग्स लाते रहता हूँ, वीडियोज़ लाते रहता हूँ और मेरे फैमिली ब्लॉग्स भी आते रहते हैं। पहली बार मैंने कोशिश करी है, यू नो, जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। बट जब भी मैं वैकेशन जाता था तो बिल्कुल ही मन नहीं करता था। तो फिर भी मैंने कुछ ना कुछ व्लॉग डाले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में, फैमिली व्लॉग्स में, या आप मेरे वीडियोस में नीचे जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ वीडियो डाले, बट अब की बार मैंने पहले सोचा हुआ था कि बहुत सारे व्लॉग डालूंगा, जो कि मैंने फाइनली मिशन कम्प्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आप कल। ऋषि तो फिलहाल पढ़ाई कर रही है, हमारा डिनर होगा और उसके बाद कल मिलते हैं प्लान के साथ कि इस व्लॉग में आप क्या देखने वाले हैं आगे। सी यू देन, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। सो अगले दिन आ चुके हैं हम, और फिलहाल अभी सुबह हो रही है, जस्ट अभी उठे हैं। रिशु के लिए बनाया मैंने वफल और रिशु इंजॉय कर रही है वफल। रिशु कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। रिशु को मैंने पैनकेक भी खिलाया है, वफल भी खिलाया है, क्रेप भी खिलाया है। रिशु को तीनों पसंद है। रिशु, आपको क्रेप सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वफल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या पैनकेक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है। जस्ट अभी उठे हैं, जैसे कि आप हालत देख सकते हैं, बस आधा घंटा हुआ होगा। रिशु एंजॉय कर रही है। खाओ रिशु। आप खिलाओ ना। मैं खिलाऊं आपको? ओके। यमी। रिशु खूब एंजॉय करती है वफल को, पैनकेक को। अब की बार मैंने पहली बार उसको क्रैप भी खिलाया और पहली बार वफल भी खिलाया। एक्चुअली वफल की मशीन मेरे पास, जैसे कि आपने शायद देखा होगा पिछले कुछ टाइम पहले मैंने ब्लॉग में बताया था, तो वफल की मशीन में मैं सिंपली मतलब वफल पैनकेक का जो मिक्सचर होता है, बैटर होता है, वही डालता हूँ और वफल बन जाता है। ऋषि की हालत, मेरी हालत ऐसी और की पूछो मत। और तानी यहाँ पर है, जस्ट अभी उठी है, पूजा कर रही थी। ऋषि आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम खत्म हो गई। आइसक्रीम खत्म हो गई? कौन सा फ्लेवर लाना है आपकी बार? आपकी चाचा कल खाया, अभी खाया, कल खाया, अभी खाया। कौन सा फ्लेवर तो बताओ? तो
स्ट्रॉबेरी। रिशु को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, जस्ट अभी फिनिश हुई है 2 दिन पहले। तो फिर आज हम जाने वाले हैं इबन बतूता, क्योंकि इनके जाने के दिन नज़दीक आ चुके हैं, 2-4 दिन बचे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करें। सो सिंपली इबन बतूता यहीं पास में है, तो हम वहीं पर जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और इन्जॉय करेंगे, है ना। और रिशु के लिए आइसक्रीम लाएंगे। मॉल का तो पता नहीं हम कब जाने वाले हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट ये पूरा सामान मैसी हो रखा है। और यहाँ पर जो है रिशु तो अपना मस्ता रही है। तन्नू को ले जाना है लगेज, और उसके पास है 3 लगेज, 1, 2 और ये वाला 3, बट समझ नहीं आ रहा है कि ये 3 लगेज ले जाए कैसे, क्योंकि तो हमारा जो रिशु क्या बन गया बेटा। तो तनु बोल रही कि हमें सिर्फ 2 लगेज करना चाहिए क्योंकि बच्चा साथ में है, और मैं बोल रहा हूँ कि 3 लगेज ले जाओ क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा लगेज है। मैं आपके आइसक्रीम कहाँ है बेटा? पिकल गई। ओहो, ज्यादा नहीं खाना, ठीक है, नहीं तो आपको खांसी हो जाएगा। जस अभी इबन बतूता आए हैं और मैडम जी को सॉफ्टी चाहिए थी, फिलहाल आइसक्रीम खा रही, और अभी हम मॉल के अंदर टाइम पास कर रहे हैं। पिछली बार मैंने शॉपिंग करी थी तो अपने ने टी शर्ट ली थी, सो एक टी शर्ट मुझे पसंद नहीं आई रूम पे जाके, तो मैंने सोचा कि चेंज करा लूँगा, बट हुआ क्या मैडम, क्या हुआ कि इनके मेकअप के चक्कर में लेट हो गया, और मेरे दिमाग से और इनके दिमाग से भी निकल गया कि हमें वो टी शर्ट लानी थी, ना टी शर्ट लाए ना बिल लाए, वहीं छूट गया। और अब इनके जाने के सिर्फ 2 दिन बचे, तो आई डोंट नो कि मैं दोबारा से यहाँ आने वाला हूँ कि नहीं आने वाला हूँ, फिर मुझे वो टी शर्ट पहननी ही पड़ेगी या तो अकेले आना पड़ेगा। सो लेट्स सी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ मैं वहाँ जाके, फिलहाल ये लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये है बड़ा सा एलिफेंट, तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिटेल दी गई है। क्लॉक है जो आप देख सकते हैं, शायद पुराने टाइम पे जो है इससे पता चलता हो कि टाइम कितना हो रहा है या कुछ इस तरह का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक है ये वाला, सो आई डोंट नो क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तो कुछ डिटेल यहाँ पर दी गई है, पढ़ना पड़ेगा इसको। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। फिलहाल रिशु यहाँ पे ट्रॉली में मस्त आ रही है। यहाँ पर बीच में काफ़ी सारे यहाँ पे शॉप, छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं, जैसे ये शॉप है तो पूरी परफ्यूम की शॉप है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम मिल जाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये वॉचेस की शॉप है, और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन्स के या फ़ोन्स के कवर्स वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कवर हैं जो कि मैं लेते रहता हूँ टाइम टाइम पर, तो ये कवर्स वगैरह है। सो ये देखिए इस तरह से सेल करते रहते हैं सब कुछ, जो आते रहते जाते रहते हैं उनको, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फैंसी सा बोट देखने को मिलता है जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम पिछली बार आए थे तो हमने काफ़ी सारा जो है फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रील्स वगैरह भी बनाए। जैसे ये बैक साइड एरिया है बोट का, तो इसके बाद हम फ्रंट साइड में जाएंगे, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। रिशु को देखो, रिशु को देखो, आपको बैठना है ऊपर पक्का, चढ़ो। इधर ही तो हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है दुबई में, जितनी भी शॉप है ना, चाहे वो नॉर्मल शॉप हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह की शॉप हो, उनका जो डेकोरेशन होता है, इंटीरियर होता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है ना, मतलब उससे आइडिया लेके ना, आप अगर अपनी कंट्री में, अगर इंडिया में अगर आप शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो, अपना इंटीरियर आपको अगर डेकोरेट करना है, तो मैं बाय गॉड बोलता हूँ कि यहाँ से इतने आइडिया आपको मिल जाएंगे, इतने आइडिया मिल जाएंगे, इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन होते हैं ना, इंटीरियर इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि पूछो मत, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ से। तो होप इन फ्यूचर मैं शायद करूँगा अपना बिजनेस कुछ भी, उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, तो ज़रूर मैं यहाँ से आइडिया लेके जाने वाला हूँ। काफ़ी सारे आइडिया मेरे माइंड में हैं, बट काफ़ी सारे मैं जब जाऊँगा परमानेंट, तो तब मैं यहाँ से लेके जाऊँगा।
जो है हम चाइना कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, ये है मिरर रूम और इसके अंदर बहुत सारे मिरर है जिसमें बहुत सारी लाइट्स वगैरह निकल रही है। तो जहाँ चारों तरफ आप देखोगे तो आप ही आप दिखोगे। लेट्स गो इनसाइड। अभी हम उसी शॉप में एंटर हुए हैं जिस शॉप में मुझे अपनी टी शर्ट वापस करनी थी, बट आज इतनी सारी डिस्काउंट लगी हुई है, इतनी सारी डिस्काउंट लगी हुई है कि पूछो मत। वैसे डिस्काउंट तो हमेशा लगा ही रहता है पूरे 12 महीने, बट आज का डिस्काउंट, ओह माय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा हो गया तनु अंदर चली गई, इतना डिस्काउंट लगाया ना, मैं तो करने वाला हूँ शॉपिंग। जो शूज़ मैंने लिए थे अपने लिए ब्लैक कलर के, वो 90 दिरहम के थे और अब वो 45 दिरहम के हो चुके हैं। मैं करने वाला हूँ शॉपिंग। वाओ, रिशु की शॉपिंग कभी भी फिनिश नहीं होती। देखो मैं करने वाला हूँ शॉपिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। आ चुके हैं कैरीफोर में और अब जा रहे हैं अंदर। पूरा मॉल तो आप घूम ही नहीं सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इशू की मस्ती तो कभी फिनिश होगी नहीं, देख लो इतना जोश भरा रहता है इसके अंदर, कभी भी फिनिश नहीं होती। चलो ठीक है, अब इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को देसी ब्लॉगर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ सी यू देन, see you in the next video. Rishu, say bye. Bye.